अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो थैंक्स पर जरूर क्लिक करें और अपना प्यार भेजिए।
नया है क्या? अरे ये तो पुराना माल है और बहुत बड़ा पैसे वाला है। पटाले ताली, तेरा तो नसीब ही खुल जाएगा। क्या रे, चलता है क्या रे? ए, इधर नवी है क्या? नया नया है तो क्या हुआ, इधर पुराना है ना, बहुत दिन से। अच्छा, साली गरम करती है मेरे को। ए, चल ना। अच्छा ये बता, क्या लेती है? 50 रुपए लगेगा। 50 रुपए? अच्छा ये कितना है वो? 100 है। हाँ रख, चलेगा? हाँ चलेगा ना। हाँ, चल अंदर, मेरा गर्मी करता है। अरे क्या बात है, बहुत मस्त है तू तो। ए साली फसाई क्या? दिन निकल आया। साला, रात को धंधा मैं करती और तेरा बदन टूटता है क्या? हाँ? ए आई, सोने देना। अरे उठ ना, उठ। क्या आई तू भी? अबे उठता है कि लात से मारूं अभी। उठता हूँ ना। किसी के साथ डिंग डोंग किया क्या? किया? रोज नहीं को पटाने का? पटाता है रोज। पटारी मेरे को भी देना एक। सब पैसा तू ही लेगी क्या? क्या रही मंगला, कल कुछ राड़ा हुआ क्या? काय के वास्ते सुबह सुबह? अरे वो कस्टमर तो अपुन के पास ही चाया था, मैंने उसको लात मार के भगा दी। क्या फेंकती है, फुल नाइट का कस्टमर मेरा, दर रोज आता। अरे पन वो नैना तो कुछ और ही बोल रही थी। नैना? नैना तो ना चटकती है, किधर का मैटर किधर भी फिट कर साल। ए मंगला, क्यारी? हाँ मैं कस्टमर तोड़ती तेरा, मैं कस्टमर तोड़ती? हाँ वो बाजू वाली है ना मुंबई ची, वो होगी हरामी साली। मैं मुंबई कोल्हापुर सातारा सांगली सब घूम के आई मैं। हाँ अच्छे अच्छे को घुमाई मैं क्या? पर मामला क्या है? वो काली साली वड़ा पाव से भी सस्ता रेट करके अंदर करती है कस्टमर को। हाँ? वैसे ही साला धंधे का वांदा और ये कमीनी। बघान है ना, टीचर सही ती बेचते, अपना शरीर हम बेचते हैं। अब कोई सरकारी रेट तो बंधेला नहीं है ना। ये इस तो लफड़ा है, वो मुंबई ची काली बोलती है कस्टमर को मजा नहीं आता। साली उसके वास्ते उसको क्या पूरा शरीर कम पड़ता है क्या? कायरी नहीं ना, काय के वास्ते मेरे नाम का बोम्बा बोम कर रही है? हाँ सबको बताती मैं तेरे धंधे का भाव। ए, रहने दे, चल चल। आज शाम को मैं दिखाती हूँ तेरे को, तेरे सारे कस्टमर अपने पास खींच के। ए, धंधे का वाट लगाएगी क्या? कब तक रहेगी तेरी ये जवानी? देखते देखते ना ये रंग गायब हो जाएगा, सड़ जाएगी, मर जाएगी। सुधर जा। क्या बात कर रही है तू? हाँ नरक में तो जी रहे हम लोग। देख जब तक अपनी सांस चलती है तब तक जी लेने का। अगले जन्म मैं भी अंबानी के घर पैदा होने वाली है मुर्गा बन के। नैना दीदी नाराज हुई क्या? किस लिए रे? वो नल पर जो तेरे को चरकटी बोली मैं। ऐसी छोटी छोटी बातें मैं दिल पे नहीं लेती। तेरी ना यही बात ना मेरे को बहुत अच्छी लगती है। क्या मंगला, आज तो इधर ही खाना खा। वो तो मैं रोज खाती है, आज कुछ स्पेशल है क्या? मंगला देखा मेरा बेटा सूर्य दिन ब दिन कितना कमजोर दिख रहा है। दीदी माँ के नजर में अपना बच्चा हमेशा कमजोर दिखता है।
सही बात, बेटा कितना भी खाना खाए ना, माँ की नजर से हमेशा कमजोरी दिखता है। किधर गया है वो? होगा इधर किधर मोहल्ले में। क्या रे, किधर से है? नया दिखता है तू। गांव से। तू रोरा काई को है? गांव में भूकंप आया। क्या? मेरे आई बाबा ताई सब मर गए। सगड़े संभले। चल रो मत, चाय पीते आ जा। चल बैठ, दो चाय देना और कुछ खाने को मांगता है? दो खारी और एक ग्लूकोज का बिस्किट देना। हाँ ले। तेरा नसीब का लिखा था, चल खा, जो हुआ भूलने का। तुझे आई बाबा आए? आई है, बाप का पता नहीं मालूम। ऐसा कैसे? बाजारी है मेरी माँ। बाजारी बोले तो? अबे सिर मत खा, जो दिया है ना वो खाकर कल्टी मारी इधर से। एवड़ा राग, इतना गुस्सा। अरे कोई तो हरामी भी बोलता है, कोई तो गाली भी देता है, रंडी की औलाद ऐसे भी बोलता है। क्या रे, कैसी है? मजे में? क्या रे, ए तेरा धंधा कैसा चल रहा है? क्या रे, हमारे साथ कब चलोगे? बहुत जल्दी है क्या? आता ना, चल 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 आता। क्या बाबूराव, मंगला के पास कब आएगा तू? आएगा ना मंगल के दिन। हाँ चल इंतजार कर, चल आएगा आएगा आएगा। अरे है ना। ए बाबूराव, आज सूरज किधर से निकला? हाँ जाऊँ क्या, बात करती है। ए तेरा मूड है ना, तो कभी भी कल्टी मारता तो कभी भी पलटी। ए कल से अक्का कपड़ा लॉन्ड्री में डाल, समझ गई ना? रोकड़ा कौन देगा? ए है ना तेरा बाबूराव। ए, खाली दिमाग का मत करना यार, जल्दी जाने का, चल फटाफट। चल अरे चल ना। क्या मस्त बैठा सजाया, क्या बात, बड़ी हॉट है तू। इतनी अच्छी लगती है तुझे? हाँ बहुत अच्छी लगती है, इसीलिए तो आता हूँ तेरे पास मैं। हाँ क्या बोलती है? और कहीं तो मुंह मारता नहीं है ना तू? पागल है क्या? बहुत बात करती है ना, किधर मुंह मारूंगा? सच्ची तेरी कसम, तू भी तो कुछ कम नहीं है रे। लॉटरी हूँ मैं और नहीं तो पूरा लॉटरी का माल है तू। बहुत माल लाया हूँ मैं। सच्ची तो रोज आता है। साली आ गई पैसा लेने को। आ गई काली ताई। आले का सगड़े गणपत। हाँ चल लाइन लाओ फटाफट। चलो चलो मंगला, चलो नैना, चलो लाइन लगाओ, चलो गणपत। हाँ ताई बुलाए सबको जल्दी। अरे आ जा रे फटफट, क्या रोज बोलने का रे। हाँ
डाली। अरे नैना मेरी जान, आजा आजा आजा। क्या बकरा पकड़ा है रे तूने? बाबूराव बराबर आता है ना रे? काली ताई तुझे तो सब मालूम, ऐसे बात करती है जैसे सब कस्टमर तुझे पता है। तो काली ताई की बस्ती में आने जाने वाले सारे को पहचानती है क्या? इसलिए बराबर हिसाब देने का नाटक नहीं है। जा जा जा। मंगला अरे दे ना, अरे हिसाब दे फटाफट। अरे ताई तबीयत बरोबर नहीं है। चबाइला अरे तेरा कल का भी हिसाब बाकी है और खोली का भाड़ा भी, चल दे। अखा बदन टूटता है ताई, जास्ती बुखार भी है मेरे को। कमीनी साली तो बोल ना, तेरे को फुकट का रोकड़ा चाहिए तपास के वास्ते? कमीनी साली, ए गणपत दे इसको 100 रुपया। ए आ जाओ, टाइम नहीं, जल्दी जल्दी। क्या रोज रोज बोलने का? दो पूरी भाजी। क्या रे अन्ना से बात किया? मैं बात करता है, तू दो प्लेट पूरी भाजी लगा। तो पहले अन्ना से बात करना। क्या अन्ना से? बोलो ना इसको। ए रामी तू फिर आ गया? देखा चंदू, हरामी बोला, चाय भी नहीं पिया, पहले पड़ी गाली। और ये दूसरा चिल्लर कहाँ से आ गया? ये मेरा दोस्त है चंदू, सेठ इसको काम पे लेना। तूने सरकारी ऐलान नहीं सुना? बच्चा से काम नहीं कराने का, समझा? उधर भूकंप आया ना, इसकी आई बहन बाबा सब मर गए। अरे हम ये स्टोरी बहुत सुना, समझा क्या? जो खाना है वो खा ले, लेकिन पैसा रोकड़ा। सेठ फिर इसके वास्ते एक पूरी भाजी देना। अरे रहने दे रहने दे, पैसा निकालता है। बोल चंदू, तेरे को जो मांगता है खा ले। क्या बोला से? खाने खाने को बोला। तू बहुत अच्छा है सेठ, मस्का नहीं लगाने का, तेरे को जो मांगता है खा ले। तेरी माँ ने हिसाब कर दिया, अच्छा खाओ। देखा चंदू मेरी माँ। चल बूट पॉलिश कर ले। बूट पॉलिश? अबे काम काम है, छोटा बड़ा नहीं, नोट है तो बात है, नहीं तो वो आठ है। तो ये सब किधर से सीखता है बोलने को? ये जो थोपड़े दिखते ये श्लोक सिखाया अपन को। सोचने का नहीं चंदू, मैंने तो अपने बाप को देखा है, घर देखा है, मैं सीधा बाजार और बाजारी माँ। बस रहने दे, अभी जल्दी जल्दी चल, शो छूटने का टाइम हो गया। कॉन्डोम लगाओ, एड्स भगाओ। कॉन्डोम लगाओ, एड्स भगाओ। कॉन्डोम लगाओ, एड्स भगाओ। जागो इंडिया, जागो इंडिया, जागो। काली काली दो, ये लो। ये क्या है? निरोध। क्या भाई तुम भी दर रोज ये पैकेट लेके क्या घूमती रहती हो? काली जिंदगी से प्यार करो, अगर बीमारी लगी ना तो सड़सड़ के मरोगी, समझी? मालूम है ने मेरे को सावित्री बाई, पर यही बात उन ग्राहक लोगों को कौन समझाएगा? साले किधर भी मुंह मारते रहते हैं, एक रबड़ का टुकड़ा इस्तेमाल नहीं करते ये लोग। अरे तो नहीं बैठना चाहिए ना तुमको? नहीं बैठना चाहिए, क्या बात करती हो बाई? इस पेट के वास्ते हम लोग धंधा करते हैं, इस पेट की आग बुझाने का ना कोई तो रास्ता दिखा दो। क्या सावित्री बाई, खाली समझाएगी क्या? प्रैक्टिकल करके बताएगी तो सीखेंगे। बेशरम बेगैरत, गंदी नाली के कीड़े, बात करने की तमीज नहीं है? ए, रंडी के मोहल्ले में खड़े होकर तमीज की बात करेगी क्या? इधर हर औरत को मर्द एक ही नजर से देखता है, माल टकाटक। नोट का बंडल है मेरे पास, 1000 का 2000 का, बोल तेरा रेट क्या? ए, क्या रे ये नोट का बंडल तेरे घर लेके चलूं? बताओ बताओ तेरी माँ को बहन को। देखो सावित्री, आज तो मैं आ गया,
तो मामला रफा दफा हो गया है, नहीं तो ये लोग इतनी माए बहने क्या तमाशा देखती, मार मार के हालत खराब। हाँ हाँ बस देखो अपनी इन अबला बहनों को और माओ को देखो, जिन्हें तमाशबीन जिंदगी में सिर्फ तमाशा देखने की आदत है। अगर जिंदगी से लड़ना जानती तो यूं इस तरह दरवाजे पर नहीं खड़ी रहती। पूछो इनसे कोई है जो बाहर निकल कर कुछ काम करेगी, नहीं ये सिर्फ बैठना जानती हैं, काम नहीं। अब क्या सोच रही हो? सोच रही हूँ कि अगर आज तुम नहीं आते तो पता नहीं वहाँ वो है ना बचाने वाला, मैं नहीं आता तो कोई और आ जाता। ऊपर कोई नहीं रहता, अगर कोई ऊपर रहता ना तो इतनी सारी माए बहने ऐसी सड़ान भरी जिंदगी नहीं जी रही। ऐसा नहीं है जो दिखाई देता है, उन सब की वजह अभी शायद उसी ने कायम की हो। कैसे? कैसे जैसे हम शहर साफ रखने के लिए गंदी नाली और गटर बनवाते हैं, उसी तरह शायद उसने उन्हें भी कायम किया हो इंसान की आग बुझाने के लिए। बकवास बंद करो जगत, पता नहीं कैसी बातें कर रहे हो तुम, किताबों में पढ़ी हुई, मैंने अपनी आंखों से देखा है औरतों की जिंदगी को बर्बाद होते हुए, और तुम पता नहीं कौन सी फिलॉसफी की बातें कर रहे हो। मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता, अब शायद मुद्दा बदल देना ही ठीक रहेगा। बहस? मुद्दे की बात को तो तुम बहस बता रहे हो। पता नहीं तुम जैसे लोग समाज सेवा करते ही क्यों है। समाज सेवा कोई धर्म नहीं रह गया, जो कहूंगा सच कहूंगा, हर कोई आज धंधा करता है, देश चलाना भी एक धंधा है, बिजनेस है, 5-star बिजनेस, सफेद कपड़ों पर काला धब्बा। देख रहा हूं माँ बेटी के इशारे, नाराज तो हो सकता नहीं मैं, कोई अधिकार जो है हमें, बेटी जवान हो गई है ना। इसका ये मतलब तो है नहीं कि भोपू हाथ में लेके गली मोहल्ले में एनजीओ का काम करती फिरे। बस बस, क्या देता है तुम्हारा एनजीओ तुम्हें, शर्म के मारे मेरा सिर झुक गया। क्या कह रहे हैं आप बाबूजी, और ऐसा क्या हो गया? हवारा लड़के रस्ते में ताने दे रहे थे। अगर आप वहां थे तो आपको तो उन लड़कों को थप्पड़ मारना चाहिए था ना। मैं कीचड़ में पत्थर डालना नहीं चाहता, उस गंदी बस्ती से कभी कभी गुजरना पड़ता है हमें, मजबूरी है। कभी आपने नजर उठा के देखा है उन औरतों को, कैसी सड़ान भरी जिंदगी जी रही है वो सब? इन मक्कार औरतों की नस्ल को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, अमीर आदमियों को अपने हाथ में पकड़कर किस तरह बर्बाद करती है। कितने घरों को उजाड़ने वाली ये औरतें दया माया के तो लायक है ही नहीं। अरे चल हो गया ना तेरा भी, क्या शादी मनेगा क्या मेरे साथ इधर बैठ के? सारा इस वास्ते तेरे पास नहीं आता, पूरा ये सब मूड खराब कर दिया। चल हो गया ना अभी तेरा, फुटना फुटना। ए, तेरी ये बकबक सुनने को नहीं आया साला, घर वाली और बाहर वाली सब एक ही, उधर वो चिल्लाती है इधर तू। हरामी क्या रे हा? बाजार ईरान के साथ अपनी घरवाली को जोड़ता है तू, बेशरम, इतना गिरा है तू। ए साली चुप, क्या रे हा? क्या कर लेगा हा? क्या कर लेगा? चल पैसा निकल, चल। ए चल रोकड़ा आज निकल देगा, चल। अबे फुकटचंद, ए चल चल पैसा निकल, चल। ए किधर जाता है रे हा? उधारी का धंधा मैंने बंद किया इधर, पैसा निकाल वरना फोट डालेगी मैं तेरे को। रान साली ले, चल ये ले साला हरामी फुकटचंद। ए कौन है तू? कौन था रे? कस्टमर था। तेरे को कितनी बार बोला कि ये सब मत कर तू? रंडी का भरोसा नहीं करने का क्या? तेरी ये बात दिल को लगती है, तू साले सोने के माफिक खरी,
इसीलिए तो तेरे पे मरता मैं। ये सब बंद कर, बाहरी लोगों का आना जाना क्या, बहुत माल देगा तेरे को मैं, बहुत माल देगा। चल। एवढी गर्दी? धंधे का टाइम है। धंधा बोले तो? यहाँ पर रोज रात को धंधा होता है। सोने के वक्त जागते हैं लोग? नहीं शुक्र है, इधर चंदा किधर रहती है? कौन चंदा? अरे चंदा को नहीं जानता, तू अभी बच्चा है, चल हट। पैसा देगा तो बताएगा। क्या बोला? धंधे पे धंधा, चला दलाली लेगा? अरे नोट है तो बात है, नहीं तो वो आट है। चल निकल। ये ले चल, गलती मार। वो देख तीसरे गोली में। ठीक है, चल ठीक है, सीधे चल सीधे। अरे लड़कड़ा मत, सीधे चल चल रे। पता बताने का दस ऊपरी कमाई है। क्या रे नैना, सोचता हूँ तुझे कहीं बाहर घुमा के लाऊं। सच्ची? हाँ। कहाँ जाएगी बोल, कौन से शहर में घूमेगी बता। अरे सूर्या तू किधर था रे, और ये किसको लेके घूम रहा है? अरे नहीं माँ, ये मेरा दोस्त है चंदू, वो गांव में भूकंप हुआ था ना, भूकंप में इसका घर गिर गया, इसकी आई बाबा बहन सब मर गए। इधर आ, कितना प्यारा बच्चा। बहुत प्यारा लगता है ये तो मेरे को भी। ये ले रुपया है, रुपया रख ले, पेट भर के खा लेना। रख ले रख ले, बड़ा साहब है, इसका दिल दरिया जैसा है, जा। ए, अपना दिल दरिया जैसा नहीं है, भूकंप का माल है इसलिए बांटता है। साला तेरा ही माल है, रख ले, अपन पाप करने से डरता है, रख ले जा, पेट भर के खा ले जा। अरे बेवड़िया चल निकल ना। सूर्या तू आई के पास नहीं सोता? याद नहीं आखिरी बार कब सोया था। तुला रो पिए थे? बाजारी बच्चे रास्ते पे ही सोते और रास्ते पे ही हकते, अब सो जा यार। मेरे को सबकी याद आती है, मेरी आई बाबा मेरी ताई। याद का मेरे को मालूम है, कैसा होता है जानते, सो जा। तू सो जा। चंदू पढ़ लिख कर अच्छा इंसान बन जा और इस गरीबी से हमेशा के लिए मुक्त हो जा। बाबा एक तू है और एक वो तारी साली। तू गाली काहे को देता है? भाई इसके बगैर इधर कोई जीना नहीं है। हरामी भड़वा साला, सो का तेरा रात भर दिल नहीं भरेगा, चल निकल इधर से। हरामी चल ना, निकल ना, क्या जा रहा है, चल चल कुत्ती साली। अरे चल भाग यहाँ से, तू भी कैसे धंधा करते है देखता हूँ मैं यहाँ पर। देख लेना चल, पहले फूट ले, तेरी रिपोर्ट पुलिस में दूंगा मैं। हाँ ठीक है चल चल निकल यहाँ से साली। हरामी कुत्ता।
सुना सुबह सुबह का भजन, इधर रोज का लफड़ा है तो गाली है, गाली है तो बाजार है, बाजार है इसके वास्ते साली गाली। मेरे को अच्छा नहीं लगता। ए तू दूसरी दुनिया का है, इधर की जिंदगी का सब सीखेगा, तू भी चल अभी। अरे चल ना। क्या सोचता है? ये सब जो इधर होता है, मेरे आई बाबा का झगड़ा कभी नहीं देखा। अरे चंदू, बाजारी औरत और शादी की औरत में बहुत फर्क होता है। पर औरत तो औरत होती है ना। थोड़ा बड़ा हो जा, अब तो तेरी पेशाब करने की उम्र है। ये गोल गोल बात काहे को करता है सूर्या? चंदू, मैं बाजार में रहकर छोटा नहीं बड़ा हो चुका हूँ, और तुझे बाजार घूमना बाकी है, तुझे भी समझ आएगा लेकिन टाइम लगेगा। फिर गोल किया ना बात को। देख दिमाग मत चल, बच्चे की तो उम्र पार कर, फिर तेरे दिमाग में बात समझ आएगी, वो भी अपने आप। सर खुजाने से कुछ नहीं होगा चंदू। पड़ा खाते हैं। हाँ चल, दो भजी देना। इधर नदी किधर है? तू तो बहुत पोचेला है रे। काय को ऐसा बोलता है? बरोबर तारी से मिलने का है। उसका काम पसंद है नदी से रेत लेने का, धनी को देकर कमाने का। बस इतना? वो कट का रेत ऐसा मेहनत का। तू तो पक्का शाना है, पर काम जितना दिखता आसान है ना उतना आसान नहीं है। कैसे? गधे कहाँ से लाएगा? तारी के पास है ना। तू तो पक्का शान है। चल तारी के बाद चलते। पहले पैसे तो दे दे। हाँ देता हूँ ना। चल खाते खाते जाते। तारी, ओ तारी। चल चल, उसको सुनाई नहीं देना। क्या रे सूर्या? ये चंदू मेरा दोस्त, इसको तेरे साथ काम करने गए। ए चंदू, एक गधा ना 30 रुपए मिलता है, 10 मेरे 20 तेरे। चलेगा नक्की करते। चल यार तेरी तो निकल पड़ी। चल चंदू शाम को मिलते हैं। ठीक है। जागो इंडिया, जागो इंडिया, जागो। कॉन्डम लगाओ। एक फगाओ। कॉन्डम लगाओ। एक फगाओ। जगत से बरा है ना? बरा है साला, धरती क्या फटा, देवा ने सब छपर फाड़ कर दिया आप उनको। तू बता तू कैसा है? ठीक है। ये सब माल इंपोर्टेड है ना? हाँ तो फिर दिखाई नहीं देता क्या तेरे को? अभी चारों तरफ फॉरेन का ही मालिच माल है, चड्डी दवाई पानी बोले तो मिनरल वाटर, वापरने वाला निरोध भी मिलता है मालूम। बात करता है क्या? आहो सेठ और नेता मिलकर देश का वाट लगा रहा है हा? अरे अपन के भी हाथ में माल रख के बराबर चूना लगाने का। अरे ये पब्लिक है सब जानती है पर सोती है। अरे अरे अपुन साला कवि हो गया हा? देखते देखते साहब हो गया, बंगला कार का मालिक बन गया क्या? अरे बाबू राव तू तो बहुत ऊंची बोली बोलने लगा है, बड़ी बड़ी बातें करने लगा है। सुना है नवी कार का बुकिंग भी किया। हाँ तुम्हारा इन्फॉर्मेशन करेक्ट है, पर अपन को भी मालूम है कि सतारा भाई के साथ तुम 50-50 एकड़ जमीन का सौदा किधर बैठ के किया क्या? शाबाश बाबू राव, बहुत भौचेला है तू। हाँ इसीलिए तो तू कलेक्टर साहब का विश्वास वाला आदमी है। एक काम कर ये रख। क्या बात है? दो हैं जास्ती वाला साहब का। हाँ। रास्ता में बदली मत कर लेना। अरे नहीं करूंगा, चलता हूँ। ठीक है, नई कार की डिलीवरी है। हाँ। सुबह से लिख रहे हो? हाँ इस लेख को कल सुबह के एडिटोरियल में छपना है। दोनों बाप बेटी समाज के उद्धार में लगे हुए हो। एक फर्क है, मेरे इस लेख से कुछ पैसे इस घर में आ जाते हैं और वो समाज सेवा में उड़ा देती है। सच कह रहे हैं आप बाबूजी। एक सच और भी,
दूसरे एनजीओस पैसे कमा रहे हैं, सेवा के नाम पे जमीन खरीद रहे हैं, खुद को बुलंदी पे पहुंचाने के लिए लक्ष्मी की जरूरत होती है। जानती हूं ऐसे लोगों को जो भूकंप पीड़ितों के खुराक को हजम कर रहे हैं, फौरन से आई मदद से उनके खुद के घर भर रहे हैं और भूकंप पीड़ित उनकी हालत बद से बदतर होती जा रही है। तो ये दूसरे एनजीओ की तरह अपनी सोच बदल कर जिंदगी की बुलंदियों को छूती क्यों नहीं तुम? अगर हर कोई ऐसा ही सोचने लगे ना तो एक दिन हम सब मिलकर इस देश को खोखला कर देंगे। राशन सस्ता, राशन महंगा। बेटी, सोच बदल कर जीना सीखो। ये तुम्हारे जो विचार है ना वो लेख लिखने योग्य है, लेकिन इसे अमल में लाने वाले लोग सिर्फ गरीबी रेखा के करीब पाए जाते हैं। तू थकती नहीं है? गरीब थका तो गया काम से, अपन गरीब है रे। तेरे को पूछता क्या हो, तू बोलती क्या है? सच्चाई बोली, पर तेरे पल्ले मेरी बात। समझा समझा, खूब शाणी बनती है तू। तेरा थकान तेरे थोबड़े पे दिखता है रे मेरे को चंदू। अरे देख गधे किधर को चल दिए। उधर ही तो है, जाने दे, आ जाएंगे। सबको तेरा घर मालूम है, तेरी होगी। ए हीरो, आएगा क्या? क्या रे? ए जंडू, आएगा क्या? क्या रे सुखे, ये तो एका साले भड़ोए। साले को गन्ना समझकर काट रही है सबको। बकवास बंद कर, ये गंदी है, रोज रोज गन्ना चूसती है। शर्म कर शर्म, ऊपर वाला नीचे का खोली काई को दिया तेरे को। ए बसंती, नवा पंछी दिसता? अरे रहने दे रही, ये तो पुराना ही है। ए कुत्ते, तेरे को दिखता है क्या भीतर से बाहर का? सोनी जास्ती मत छोड़, इतना बड़ा दिखाई नहीं देता क्या तेरे को? कार बोलती है मैं। सच्ची रे, एकदम पुराना, तेरी बात 100% पक्की। मेले लाए क्या? ए हीरो, चल रे, चल। आना। गन्ने के खेत में पाला के साला। ए, क्या पुलिस साली रे? हाँ? ए, तेरे पास आता मैं? आता तेरे पास मैं? हाँ? अरे बाबूराव के हाथ लगी ना तो गई काम से। ए, चल चल निकल, चल चल निकल, चल। आता मैं। हो गया हो गया। रुक, यही रुक। अबे तेरी माँ के साला। क्या रे नैना? बाबूराव आ गया तू? आजा मेरी जान। क्या रे बाबूराव, नोट छापने की मशीन लगी है क्या तेरे हाथ? साला इधर कोई मीठा बोलता तो कोई खाली चमड़ी पे नमक रगड़ता। बरोबर बोला तू। इधर नरक का जिंदगी में एक से एक रंडी और एक से एक भड़वे मिलते हैं साले, सब कड़वे अंदर से, दिल में जहर, जुबा पे चाशनी, नोट मिलने तक बस। फिर साली गाली पे गाली, हरामी साले। क्या है? ए बाबू बोल, मेरे लिए क्या लाया? साली औरत है ना, सब सूंघ लेती है। अरे इतना बड़ा पैकेट मैं देख नहीं सकती क्या? बोलता है सूंघ लेती है। ये देख तेरे लिए साड़ी लाया मैं, ये देख। बाबूराव, चल पहले किसी का किसी का। हाँ कैसा है? बहुत अच्छा। ए बाबूराव। हाँ बोल। ए, मैं तेरी लक्ष्मी लगती हूँ क्या? अरे लक्ष्मी से भी बढ़के लगती है तू, इसीलिए तो तेरे पास आता हूँ मैं। देखिए एक नजर इस मोहल्ले को, जहाँ जानवर भी नहीं रह सकते। ऐसे सड़ान भरे मोहल्ले में हमारी बहनें, माएं छोटे छोटे बच्चों के साथ पेट की खातिर धंधा करने को मजबूर हैं।
बहनों माओ से गुजारिश है कि वो एड्स जैसी बीमारियों से ग्रस्त ना हो जाए, इसलिए सरकारी अस्पतालों में मुफ्त में निरोध दिए जाते हैं, उनका प्रयोग करें। कोई भी कस्टमर कितनी भी मिन्नत करे, बिना निरोध के उसे पास ना आने दें। एड्स जैसी लाइलाज बीमारी से लड़ना बहुत मुश्किल है। ये बीमारी छुआछूत से नहीं फैलती, लेकिन पेट की खातिर या चंद मिनटों के मजे के लिए जीते जी बीमारी मोल लेना खुद को नर्क में ढकेलना है। अगर आप लोग चाहें तो जीवन की इस लड़ाई में रोजगार पा सकती हैं, इज्जत की जिंदगी जी सकती हैं। काय को फेंकती हो भाई, तुम तो इतनी पढ़ी लिखी हो, इस बीमारी का कोई तो इलाज होगा ना। ए कुतिया, मुंह बंद रख। सावित्री बाई, तुम्ही पन बोलो ना, काय को रुक गई, बोलना, छान बोलती है। देखिए, किसी के बहकावे में आके गलत बात को सही ना समझे। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि आने वाले समय में हर दूसरे घर में हर तीसरे इंसान को ये बीमारी हो सकती है, इसलिए वक्त रहते जाग जाएं, अभी संभल जाएं। जागो इंडिया, जागो, जागो इंडिया, कॉन्डम लगाओ, लगाओ, कॉन्डम लगाओ, लगाओ। ए बाबूराव। हाँ बोल। तुझे पता है कल यहाँ पर वो समाज सेवा संगठन की सावित्री है ना, वो आई थी। अरे वैश ना, जो घर घर में पैकेट देती, तो क्या हुआ, आने दस साली को। बाबूराव हाँ। आज के बाद इधर कोई भी लड़की निरोध के बगैर नहीं बैठेगी। हाँ बोल देती हूँ। देख बाबूराव, खाली तेरे पास आता, इधर उधर मुंह नहीं मारता, और साले घर वाले को तो मुझे लगाता मैं, जब देखो राशन पानी लेकर चढ़ जाती मेरे ऊपर। तू तो मेरी जान है। बात को समझा कर तू बाबूराव। देख बहुत खतरनाक बीमारी है, लगी ना तो गया काम से तू भी और मैं भी, समझना। ए भाषण मत दे, चल काम पे लगियो, जा गिलास ला, बैग बना, खाली पीले की सावित्री। अरे वो कितने पानी में मालूम मेरे को। अरे अरे सुनो, कहाँ जा रही हो? तुमसे मतलब? ओहो, एक एनजीओ, या तो बस्ती से जा रही होगी या आ रही होगी। अगर तुम्हें मुझसे बात करनी है तो ऐसे ही कर लो, बहाने क्यों ढूंढ रहे हो? अरे ये तो वही बात हुई, एक मिसाल के 40 सवाल। 40 सवाल? मेरे पास ना तो 40 सवाल है, ना उनके कोई जवाब। हाँ, यहीं से तो शुरुआत होती है, मिसरे को गलत बताकर बात को लंबी कर देना, इशारे से चलते हुए को रोक देना, और जिंदगी के फलसफे यूं ही धीरे धीरे हल कर लेना। मतलब? यही तो, किताबों से दिल लगाने वाले अक्सर आम आदमी की आम जुबान नहीं समझ पाते। ना बात है ना बात की कोई दुम है, तुम उलझे रहो अपनी बातों में, मैं जा रही हूँ। अरे सुनो 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 सुनो, राहों की बातों को राहों में यूं अधूरा नहीं छोड़ते, अक्सर यूं ही राह चलते चलते इजहार इकरार हो जाता है। कम ऑन जगत यार, पकाओ मत प्लीज। मुझे पकी पकाई बहुत पसंद है, अगर तुम यहाँ पकोगी तभी तो कभी ना कभी घर चलकर भी पकाओगी। सपने देख रहे हो? हकीकत बयान कर रहा हूँ एनजीओ जी, बड़े बड़े जीनियसेस ने ना यूं ही राह चलते चलते बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को यूं चुटकियों में सॉल्व कर दिया। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि ऐसे एक जीनियस को आप जानते हैं। मैं हूँ ना, देखो इशारे से राह चलते को रोक लिया, थोड़ी देर बातें कर ली, अब अगली मुलाकात तक बाहों में ले सकता हूँ। वैसे जगत तुम्हें पता है ना, मुझे ऐसी बेफिजूल की बातें बिल्कुल पसंद नहीं। तो फिर इतनी देर से मुझसे बात करने का क्या मतलब? मुझे सच में बहुत काम है, कल का प्रोग्राम सेट करना है, और डू यू नो रेड लाइट एरिया में कितनी प्रॉब्लम्स हो रही है? उनकी समस्याओं का तो तुम रोज समाधान करती हो, कभी हमारी इस एक समस्या को भी तो हल कर दो। ये बात है ना, हद से ज्यादा बढ़ती जा रही है। फिर गुस्सा? तुम्हारी शक्ल पे गुस्सा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, गुस्से में तुम्हारी शक्ल की बनावट बिल्कुल खराब हो जाती है, जो मुझे कतई पसंद नहीं। चलो भाई मैं तो चला, बाय। क्या रे चंदू, कितना थका हुआ लग रहा है तू? क्या करूँ, दिन भर काम क्या है, थक तो जाऊंगा है ना। इधर भी लगा रे, हाँ इधर इधर। चाय पिएगा? हाँ। ए छोटू, दो कटिंग लेकर आ रे। धंधा हुआ? ठंडा है।
अच्छी पिक्चर लगी तो अच्छा धंधा होता है, पन वाट लगी हुई है, ऊपर से ये भूकंप का चक्कर साला। ये ले चाय पी। सेट पैसे ये ले। ए जंडू कहाँ जा रहा बे साला, कितना दिन से। मंगला धंधा पानी कैसा? क्या काली ताई खाली हिसाब देखती है, औरत को औरत समझना, खाली मशीन के माफिक इस्तेमाल करती है। काली ताई के सामने ज्यादा जबान नहीं लड़ाने का, आवाज नीची करके बोलने का। जानवर नहीं है मैं। मालूम मेरे को मालूम। हाँ मालूम। फिर ऐसा सलूक ताई के वास्ते करती है? सब परेशान है तेरे से, चिंता का कमाई नहीं उससे डबल खर्च वसूलती है। अच्छा अभी तेरे को बताती मैं। गणपत जरा इसका हिसाब देना। 2 रोज का 300। तो शाम तक 300 लाके देने का। हाँ और खोली का भाड़ा बोल। 2 महीने का ₹400। दोनों मिला के 700 रुपया। 700 रुपया शाम को लाके देने का। धंधे का वांदा है। कैरी फुक्कट में सोती है क्या? पैसा वैसा कुछ लेती नहीं? मंगला रोकड़ा लेती है रोकड़ा, पर किसी लुक्खे बेवड़े को घास नहीं डालती। अरे तिचाला। अरे ये मरद देख के सोती है, ऐसा है तो कोई बाबूराव पकड़ना, नैना के बाबूराव जैसा। रोज रोज आएगा भी और रोकड़ा भी देगा, ऊपर से बख्शीश भी देगा अच्छे से। हाथ तो लगे। क्या रे कभी तो आखिर रात तो रुका करना। आखिर रात के लिए टाइम किधर है, वो उधर बैठी है ना तेरी सौत। अरे रंडी की बस्ती में बैठकर घरवाले के बारे में सोचने का भी नहीं, वो तेरे वास्ते लक्ष्मी है। गहरी बात बोल गई, इसके लिए तेरे पास आता मैं। चल देर हो गई तो महाभारत घर में चलना निकलना। चल के बारे में सुन। हो गया क्या तेरा काम? ए, चला दब, चला दब, चल। क्या रही? दूसरा कस्टमर देखते क्या? सुधर जा, चल चल चल। ए, इतना देता तेरे को, पेट नहीं भरता तेरा? बाबूराव मेरे बच्चे के लिए जमा करती मैं, तू जो देता है ना उससे कुछ नहीं होता मेरा। अच्छा है सपना देखती है ना तू, सपना देख बहुत अच्छा है। यहाँ कोई नहीं है अपना, फुकट की प्यास और खाली फुकट बकवास। चल बाबूराव से ऊंची आवाज में बात मत कर। साली मेरे टुकड़ों पे पलती है, मुझसे जबान चला रही है तू? जा ना जा, जा चल जा ना जा, जा। ए! देखता तेरे को मैं। इधर ही जाएगा तू, तू साला। छोड़ूंगा नहीं तेरे को। साली चल। आ,
सुधा, तू अभी तक जाग रही है? हाँ? इस घर में मेरा दम घुटता है। फिर साला भांसा, फिर? नहीं नहीं, रोज रोज का नाटक बोलो। हाँ नाटक, ये भी सही है, सच बोलती है तू। कौन करता है नाटक, मैं कि तुम? हाँ? ये तो मैंने सोचा ही नहीं, कौन करता है? सोचने के लिए पूरी रात है और बॉटल का भी साथ है। अरे खाने पीने की बात छोड़ सुधा, ये ला, रख ले मेरी जान, रख ले आज की कमाई है, रख ले पूरे 50,000। हाँ, साला भूकंप क्या आया, अपनी लॉटरी लग गई, लॉटरी। बना डाल तागनी वागनी, बना डाल। सोना लेकर मैं क्या करूंगी, सोने तो तुम आते नहीं हो, पूरी रात बिस्तर पर गोल डालकर सांप की तरह लोटी रहूं मैं? अरे पूरी रात जग जग कर मरती हूं मैं, तिल तिल कर। यही तो तेरी प्रॉब्लम है। अरे जिम उम ज्वाइन कर ले, थक जाएगी तो नींद आ जाएगी और साला ये रोज का खटपट खटपट बंद हो जाएगा। सोने जा रहा हूं, सुन पीछे मत आना, सोने देना मुझे, मेरे को समझे, मेरे को सही को समझा दे। बैठती है क्या? चल निकल इधर से, जिस रास्ते आए ना उधर ही चला जा। बहुत नखरा दिखाती है। ए, बीवी बच्चे वाला है तू, शर्म नहीं आता तेरे को? तो क्या मैं ऐश नहीं कर सकता? ऐश की वास्ते ऊपरी कमाई कितनी? ऊपरी कमाई? तू क्या मेरी घरवाली बनने वाली है? छुपे थोबड़ा देखा है बुढ़े? थोबड़ा क्या थोबड़ा, नोट देख नोट। ए चल जा इधर से, वो देखती है, चल जा। ठीक है। ए बसंती, ले जा अपने राजा को। ए अरे नोट डबल दूंगा उसको, रोकड़ा, समझी क्या? आजा मेरे राजा। अरे वो नहीं तो तू सही, चल। संभल के बसंती, सावित्री मैडम का बात ध्यान में रखने का। तेरे को क्या करने का, जिंदगी मेरी है या तेरी? मर जा साली, जितना समझाना था ना समझाई मैं। अरे बच के रहने का, जरा संभल के। जागो इंडिया जागो, एड भगाओ वादा निभाना है, एड भगाओ वादा निभाना है।
ए, क्या है रे? ये कालीताई का इलाका है, इधर तेरा बोम्बा बोम नहीं चलेगा। ये दीवार पे लिख के गला फाड़ फाड़ के बोल के अब उनका बाजार नहीं बंद होगा। एक काम करना, वो ऊपर वाले तेरा पैकेट तो भरता होगा ना, पता है मेरे को, अपुन भी देगा। अरे उसे अच्छा देगा, बोल शर्मा मत, बोल बोल। क्या बकवास कर रही हो तुम? ए, आवाज नीचे, कालीताई की सामने इतनी उच्च आवाज में बोलने का नहीं। ऐसी धमकियां ना सिर्फ बाजारों में सुनाई देती हैं। दरअसल तुम्हें जुलूस की ताकत का अंदाजा नहीं है। जिस दिन आवाम भड़केगी ना, सारी ताकत धरी की धरी रह जाएगी। गणपत देख क्या बोलती है बोल बच्चन। आवाम ताकत देख। ए नाम क्या है तेरा? समाज कल्याण केंद्र। देख पीछे मुड़ के देख तो सही। क्या है ये? कालीताई का इलाका है, इधर तेरा बोम्बा बोम कोई नहीं सुनेगा, इसलिए यहां से फूटने का। कहां मालूम? सीधा तेरे घर, क्योंकि अपुन को ना अभी तक तेरे जवानी पे ना तरस आ रहा है। कालीताई तू इन बस्ती में रहने वाली औरतों को गुमराह कर रही है, इन बेचारी गवार अनपढ़ औरतों को तू काली अंधेरी रात के सिवा और कुछ नहीं दे सकती, ना इनकी जिंदगी सवार सकती है। कब तक, आखिर कब तक इनके मांस को बाजार में भुनाएगी तू? चुप, एकदम चुप। काली तई से जबान नहीं लड़ाने की, समझी क्या? एक बार भड़क उठी ना इधर इस बस्ती में, किसी दरवाजे के पीछे तुझे सड़ा दूंगी, तू फिर अपने पैदा होने पर रोएगी। जा उठ यहां से। कानून भी कोई चीज है। कानून? ए गणपत कोई है कह रहे? सुनो सुनो, ये काली को कानून सिखा दिए। जा जा लेके आ तेरे कानून के रिश्तेदारों को, उन्हीं के सामने मैं तेरे को नचाऊंगी। निकल जा, चले जा यहां से। इतना सब कुछ कैसे हो गया? कालीताई को देखकर हमारे लोग डर गए और सबके सब मोर्चा छोड़कर भाग गए। कालीताई के इलाके में तो पुलिस भी नहीं जाती। तुम्हें तो मालूम है। पता है, लेकिन अब पुलिस को जाना पड़ेगा। काम करो, ये ठंडा पानी पी लो और शांत रहो। जगत प्लीज मजाक मत करो, आई एम रियली सीरियस अबाउट दिस। मजाक मैं नहीं कर रहा, मजाक तो तुम कर रही हो। मैं मजाक कर रही हूँ? तुम्हें पता भी है कालीताई ने मुझे क्या क्या कहा है आज? मुझे मालूम है, इसीलिए एक राय देता हूँ, कालीताई से बात कर लो। पुलिस कानून उसके लिए कुछ नहीं है, पुलिस को तो वो यूं निटा देगी। देखो सोच लो। ए हरामी निकल इधर से साला, देखती क्या निकाल, काट डालेगी मैं तेरे को, मेरा जिंदगी खराब करेगा साला। देखेगा देखेगा तेरे को, देखेगा ये ले हरामी। अरे देख चल मुंह मत देख, मेरे को देखेगा। अरे नाटक करता इधर, देखो ना साहब मजे के वास्ते आता है इधर। साली एक रबर के टुकड़े के वास्ते मेरे को मारी। ए क्या रबर रबर लगा के रखा रे? निरोध साहब क्या रे, शर्म आती है क्या? बाजार में आते शर्म नहीं आती? कंडोम वापरने का हर दीवार हर गली में लिखा है ना। देखो साहब जिंदगी मेरा है, होने दो बीमारी, साला कंटाल गया है, फोकट में रोज की मगज मारी। कैसर कर बिठा इसको। चल रे
किधर साहब? चल ससुरल, चल ससुरल, चल ले जा साले हरामी को। ए, क्या इधर, चल अंदर। अरे आओ आओ, पॉलिश, बढ़िया पॉलिश, पॉलिश। क्या कर रहा है चंदू? किसी को पुकारने की जरूरत नहीं है, जिसको पॉलिश करने का वो आएगा खुद ब खुद। बस अपन जोर से डब्बे पे हाथ मारने का। अरे ऐसा नहीं करने का, ऐसा मारेगा तो बेचारा नंगा पैर वाला भी तेरे पास दौड़ के आएगा। अरे इतना बूमा बूम काय को करता है? अरे कितनी बार बोला तुझको यहाँ बिना लाइसेंस के धंधा नहीं करने का करके? अरे छोकरे, अरे मेरी बात तुझे समझ में आई क्या नहीं? या कानून का डंडा बताऊं तुझे? ए यहाँ पर ड्यूटी करने का ना तो जरा संभाल के करने का। पिछले दो बरस से बड़ा साहब गाय तुंडे पॉलिश का पैसा नहीं दे रहा है। जाओ उसको बोल सूर्या ऐसा बोलता है। अरे मेरे से तो पैसा बराबर लेता तू, लेकिन मेरा जूता क्यों चमकता नहीं? कितनी बार बोला तेरे को प्लास्टिक के जूते पे फुकट का पॉलिश नहीं चढ़ता है? और उधर देख बड़ा साहब गाय तोंडे आ गया। गाय तोंडे साहब? अरे बाप, देखा। अरे आओ पॉलिश, बढ़िया पॉलिश। जय श्री राम। बोल खाने को क्या मांगते हैं? अरे पेट भरने से मतलब है, मंगा ले बेमन का माफ। एक डर मत, मैं अन्ना सेठ को कैसे पटाता है, सिर्फ तू मेरा पैतरा देख। क्या अन्ना सेठ अपन के वास्ते टाइम नहीं है क्या? हाँ बोल सूर्या, क्या मांगता है? लेकिन पहले के माफिक उधारी बंद। बंद बोले तो कौन बोला बंद करने के वास्ते? अरे कौन बोलेगा मेरे धंधे के बीच में, मर्जी का मालिक मैं ही थे। ए, ग्लास तोड़ा। साला एक तो साला उधार मांगता है, ऊपर से नुकसान करता है। ए अन्ना, ये तूने ठीक नहीं किया, बोल तेरा हिसाब। अच्छा मुझसे हिसाब पूछता है? है साला, जैसे हिसाब चुकाने का हो रंजीत की औलाद। साला मक्कर, ए गाली नहीं देने का, मारने का है तो मार, पर मेरे दोस्त को बोलने का नहीं, समझा क्या? ए अन्ना क्या रे, काय को बच्चे पे हाथ उठाता है? साला जानता नहीं है क्या बच्चों पे हाथ उठाना कानूनन जुर्म है? चले 100 रुपया दे इसको। एक तो साला ग्लास तोड़ने का, रोज रोज का उधारी, अरे कैसा चलाएगा होम होटल इधर? नहीं चलाना तो मत चला, बंद कर होटल और आगे बढ़। साला बड़ा होकर बच्चों पर हाथ उठाता है? ए शाड़े चल दे पैसा इसको, बच्चों का दिल दुखा लेगा नहीं। ठीक है देता है साल, चल ले पैसा, चल बाहर होटल के, निकल बाहर। अरे जाते जाते चल। हुर्रा हुर्रा, क्या बात है, बहुत खुश लग रहे हो। अरे 100 रुपया जो मिला है ऐश करने का अपन। मुझे तो काम है। अरे काम भी करने का ना, साथ में ऐश भी, रोज गिलास तोड़ने का, 100 रुपया पाने का, और ना एक थप्पड़ भी खाने का। सो रही हो क्या? नहीं। ए, अब तू भी नाटक करने लगी? कोई और भी है नाटक करने वाली? मूड का बैंड मत बजा। चल एक बार और सवाल रात करते चल। हाँ क्या चिकने, किधर जा रहा है? अबे हट। किधर जा रहा है भड़वे? बहुत बोलती है रे तू। अरे क्या करूं? साला मेरा रेट सुन के ना सब लोग भाग जाते हैं। तेरे पे दिल आ गया अपना। चल ठीक है, बाजार से 100 रुपए कम दे देना, चल जाएगा। हाँ ये तो साली रबड़ भी नहीं वापरती, सोच ले बीमारी लगी ना तो सीधा फुर्र हो जाएगा 2-4-5 साल में बस। क्या क्या रे मंगला, मेरा कस्टमर तोड़ रही है क्या? कस्टमर नहीं, आदमी रहेगा ना तो बाजार रहेगा, बीमारी लगी ना तो भूखे मर जाएंगे सबके सब। अरे सावित्री बाई कितना सांस खींच खींच कर समझाती है, पर तुम लोग ऐसे धंधा करके बाजार का बाट लगाएगी क्या? तुम ठीक बोलती हो, चल दिए क्या? अबे चवन्नी चल निकल इधर से। अरे इसी के पास जा, रबड़ वापरने का बस,
जरा संभल के। तो तू नहीं चलेगी? थोबड़ा देखा है काली का? एक कस्टमर है तू, राड़ा मत कर। मजा के वास्ते आया ना, चल मजा कर। चल चल, तू तो बहुत अच्छी है रे मंगला, ये तेरे को भाव नहीं दे रही, काय के लिए टाइम वेस्ट कर रहा है। चल चल निकल, चल चल ना। साला, तू अपुन को पहचानता है? काली ताई को? कौन सा गली में आता जाता है रे तू? ताई, जबान संभाल कर बात कर। ए, आवाज नीची, एकदम नीची। अपुन के सामने तेरा ये शानपति नहीं चलेगा, हा? अपुन को अच्छी तरह से मालूम है, चार किताब पढ़ने से सिर्फ जुबान साफ होती है और कुछ नहीं होता है, इसलिए अब मैं जो बोलती है ना उतना ही करने का। काली ताई, ए! बीच में बोलने का नहीं, तुझे बात करने का इतना शौक था ना, तो तूने इस समाज कल्याण केंद्र को समझाया क्यों नहीं? ये इसका दूध का दांत अभी तक गिरा नहीं है, ये अपुन की गली में जुलूस लेके आती है, जुलूस सबको पाकिट बांटती घूमती है, मालूम है क्या तेरे को? हाँ, उस पाकिट से अपुन के धंधे पे असर होता है और अपना पेट धंधे पे चलता है। पेट पे लात मारा हुआ काली ताई बर्दाश्त नहीं करेगी, समझे? बात करता है साला। मैं बात करती हूँ। ए बाबूजी, जा जा अंदर जा। हाँ बोल, क्या बोलती है, क्या बोलने का है? मेरे घर में आकर मुझे धमकी दे रही हो? ए, मैं तेरे साथ इधर बात करने के वास्ते आया है। हाँ, धमकी नहीं, मैं अगर तेरे को धमकी देती, इतना बड़ा बड़ा फोटो तेरा पूरे शहर में लग जाता था। इसीलिए कल सबसे पहले आके पूरा गली में तूने जो लिखा है ना वो साफ कर डालने का। मेरे स्लोगन्स नहीं है, गवर्नमेंट के हैं। हाँ। मैं सिर्फ बोलती हूँ और समझाती हूँ उन औरतों को जिनका जिस्म तू बेचती है। ए! चुप! एकदम चुप! अपुन को बताती है तेरा वो गवर्नमेंट का बात? हाँ? अपुन को, तेरे उस गवर्नमेंट और कानून को, वो लाल पीला वाला बंडल है ना नोट का, वो बंडल उसके मुंह में ठूसती हूँ मैं, जहाँ लफड़ा होता है ना उस बंडल से लफड़ा सफाचट करती है। काली ताई, काली ताई बोलते अपुन को याद रखने का, समझी? ये देखो सब लोग सुनो ठीक से, ये सरकारी नारा है ना एकदम फिजूल, कुछ नहीं है इसमें, गणपत कल ये सब मेरे को पेंट करके चाहिए। ठीक है ताई। और सुनो, ये तुम लोग का धंधा बंद करवाने के वास्ते है, तुम्हारे पेट पे लात मारने के लिए, और कुछ नहीं है। चलो, इस साली को अपना मुनाफा कम होने का डर है। साली, ठीक बोलती थी, ये साली काली ताई ना हम सबको लूटने के वास्ते बैठी है। और नहीं तो क्या, घर का भाड़ा, धंधे का कमीशन, साली आखा टाइम अपना खून पीती रहती है। कितना तो काम करते हैं यार, एकदम मशीन की तरह, पर साला चार पैसा नहीं जोड़ पाई अजून तलक। इधर अपना अपुन को पूरा खर्चा नहीं होता, साला पेट के वास्ते पेट के नीचे बिकना पड़ता है, और ये ए, क्या रे, क्या खुसर बुसर करता है? सब लोग सुनो, वो क्या बोल बच्चन, क्या नाम है उसका, वो इधर आएगी ना तो उसको यहाँ से फुटा डालने का, खड़ा होने के लिए देने का नहीं, समझी क्या? काली ताई, क्या हुआ? वो थोड़ा दवा दारू देती रहती है, फल वल देती रहती है, उसके बदले में उसने दो चार बात सुना दिया तो क्या फर्क पड़ता है? हाँ, और सरकार टीवी और अखबार में
हमेशा आम इंसान को समझाती रहती है। काली तई समझा करो ना आप भी। ए नहीं ना, तेरा धंधा अच्छा चलता है, तेरे पास वो बाबूराव जैसा आदमी है, लेकिन इन लोगों का क्या? इसके बारे में कुछ सोचा है? बात करती है साली। काली ताई, ऊपर वाला है ना, अगर उसने पेट दिया ना तो उसके वास्ते मशीन भी दिया। बापरेंगे बापरेंगे। और हाँ, अगर वो एक चींटी का पेट भर सकता है ना पहाड़ पर, तो अपन क्या चींटी से बदतर है? ए साली हलकट कुत्ती कमीनी, क्या बहुत बटर बटर करती है क्या तू? हाँ, वो बोल बच्चन के साथ मिलके पूरी बस्ती में ज्ञान बांट रही है। हाँ देख, इधर की इधर तेरे को उसके साथ जिंदा गाड़ने दिया ना, तो अब उनका नाम भी कालिता ही नहीं, क्या समझी? फिर बैठते रहना ज्ञान बांटते। तू साली, रहने दो ना कालिताई, उसको उसका काम करने दो। अरे उसका दो अच्छा बात बताने से हमारे धंधे का कोई वांदा नहीं होगा, सच्ची बोलती मैं। आई शपथ। के बस्ती में लाल बत्ती का गाड़ी लेके? ए, सरकारी काम को रोकने की जुर्रत नहीं करने का भाई, कानून को हाथ में लेने से जेल हो जाएगी। जेल? हाँ? तू मेरे को जेल डालेगा? ए गणपत, कोई सुना रे? ये मेरे को जेल में डालेगा? अस्मत, इसके घर में घुस के धमकी दिया, गलत किया, अब रिमांड में लेके जेल में डालूंगा। ए, तू मेरे को जेल में डालेगा? मेरे को? चल 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 रे, चल चल, पता कहाँ जाने का, चल आजा, चल। बात करता है साला। ए, मेरे को अपनी बस्ती से ये जीप बाहर निकाल के दिखा। हाँ, तेरे को मालूम वो गांधी जी जिन्होंने अपन की देश को आजादी दिलाया, उनका फोटो वाला नोट है ना, नोट अपन के पास बहुत पड़ा है। गांधी गांधी तो ऐसे कह रही है जैसे उनके आदर्शों पे चलती है। हाँ। और तुझे क्या लगता है हर कोई बिकाऊ है? हर कोई तेरे उस नोट के बंडल से बिक जाएगा? ए, ज्यादा नौटंकी मत कर, तू भी तो ये नोट पाने के वास्ते सब कुछ करती है ना। देख, वो पॉकेट बांटने के वास्ते सरकार तेरे को जितना पैसा देती है ना, तू मेरे को बोल, मैं उससे ज्यादा दूंगी। बहुत दिलदार हूँ। देख शर्मा मत, तो मेरे को बोलना कितना चाहिए? बोल तो सही, शर्मा मत, बोल बोल बोल। ए इंस्पेक्टर, तू मेरे को चुपके से बोल कितना चाहिए, अपन के पास बहुत पड़ा है नोट, बोल ना बोल, शर्मा मत, चुपके से बोल, बोल बोल। ले रहे इसको ताबे में? हा? बहुत बोलती है। अरे ए, ए, चलो, अरे चलो चलो, कोई अरे छोड़ो छोड़ो, मुझे क्या कर रहे हो? किसी को छोड़ूंगी नहीं मैं। सब 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 छोड़ूं दिया साहब, ये औरत सिर्फ बकबक कर सकती है, धमकी दे सकती है, उसे पूरा करने की हिम्मत इसमें है नहीं। मरे हुए लोगों की बस्ती में तो ये खुद जीती है। जगत क्या कह रहे हो, तुम्हें पता भी है क्या हुआ? ये औरत मेरे घर तक पहुंच गई थी। तुम भी तो रोज उसकी बस्ती में पहुंच जाती हो ना, एक बार इसे भी तो देखने दो कि उस बस्ती में लोग कैसे जीते हैं जहां सचमुच जिंदगी जी जाती है। जिंदा होने के बावजूद भी तो ये मरी हुई है, और मरे हुए लोग जिंदा लोगों को देखकर अक्सर ऐसे ही हैरान होते हैं। जेब में तू क्या सब ले लेगी? देता है क्या? देगा, पर भाव तो बोल। बात से फिरता है। आ, पहले भाव मैंने पूछा है। मैं क्या पूछी? जेब में कितना है? अब तू बोल। 2000 है। लगा देता ऊपर, मैं तेरी आखिरी रात के वास्ते। बहुत चाप्टर है तू। अबे टाइम पास करता है क्या? चल निकल, फुट ले। जाता है जाता है।
अभी तक सो रही है अम्मा? सुबह हो गई क्या? दोपहर हो गई, दो रोज से तो आ रही नहीं है, उठाने के वास्ते ताकत ही नहीं है, कमजोरी कमजोरी लग रही है, आखा बदन टूट रहा है। जा मंगला अक्का को जाके बुला जा। माँ तेरा बदन तो पूरा दवे के माफिक गरम है माँ। हाँ तो क्या करूं, जो बोला वो कर ना, जाना मंगला अक्का को जाके बुला। काय को डांटती है माँ, मैं तो खाली ऐसे ही बोला। क्या हुआ नैना, काय को चिल्लाती है? माँ को बुखार है। हो रे ताप तो तेरे को बहुत है। मंगला तू कब आई? अभी तो तू चिल्लाई फिर सो भी गई। ताकत नहीं है, कमजोरी लग रही है, लग रही है। सावित्री मैडम को खबर करूं क्या? नैना नैना नैना, सूर्या बेटा तू इधर बैठ, मैं डॉक्टर मेघना को लेकर आती। भोपो साथ में लेके नहीं आई? क्या फायदा, इतना चिल्ला चिल्ला कर तुम लोगों को समझाती हूँ, क्या नतीजा निकलता है? कोई नहीं समझता। अरे भाई इस एड्स का इलाज नहीं है क्या? तुम इतनी समझदार हो, ये धंधा छोड़कर कोई और काम क्यों नहीं करती? ये भी तो काम है, आखा बदन टूटता है तब जाके चार गांधी मिलते हैं। सत्यवादी का नाम लेते शर्म नहीं आती तुम्हें? तो बंद कर दो ना नोट, क्योंकि हर धंधे में गांधी ही चलते हैं। आप अंदर आ सकती है क्या? क्या हुआ नैना? सर्दी चुभकर जाता है नहीं, कटा बदन पे ऐसे उठता है, ठंड ठंड ऐसे लगती है जैसे जैसे ठंडी का महीना हो। तुमने खून दिया डॉक्टर मेघना को जांचने के लिए? जिसका डर है बस वो ना हो। तबीयत देखो कैसे गिरती जा रही है तुम्हारी, तुम ऐसा करो दवाई ले लेना और कुछ फल फ्रूट भी खरीद लेना, ख्याल रखना। डॉक्टर मेघना। अरे सावित्री। डॉक्टर नैना की रिपोर्ट आई क्या? तेरे को क्या हुआ है जो तेरा ताप उतरता ही नहीं है? सुन, तीन दिन से ज्यादा बुखार इससे अच्छा नहीं है, इसको जाके डॉक्टर को दिखा। डॉक्टर आई थी खून तपासने के वास्ते, कल ही खून लेके गई, रिपोर्ट आज मिलेगा ऐसा बोली। बहुत कमजोर दिखती है, तेरा वो बाबूराव है ना उसे उसको दिखा ना। कलेक्टर ऑफिस का बाबू है वो, टेम किधर मिलता है? साला सोने के वास्ते इनके पास टेम रहता है, पर तकलीफ में इनके पास टाइम नहीं रहता। घर वाला थोड़ी है साला, जब तक शरीर मिलेगा तब तक मजा मारने आएगा साला। आने दे साले हरामी को, बताती मैं। ए बसंती तू तो ऐसा बोलती जैसे शादी बनाई नैना। अरे बाजार में किसी से भरोसा करना सबसे बड़ा धोखा है साला। जाने दे, इसकी किस्मत का लिखा कोई थोड़े ही भोगेगा। और कुछ नहीं, शहर में जो बीमारी फैली है ना उसका डर है। मेरी पड़ोसन तुलसी वो भी ऐसे ही ताप आकर मर गई, बेचारी सड़ सड़ कर मर गई। ए मुंह बंद कर, चल जा इधर से, कैसा बात बोलती है। नैना मेरी बहन है, उसे ऐसा वैसा कुछ नहीं होगा, समझी? अस्पताल गए थे, तुम
रह भी सकती हो, तुम घर भी जा सकती हो। मतलब मैं ठीक हूँ? तुम कैसा महसूस कर रही हो? डॉक्टर भाई, ऐसे लग रहा है जैसे आपके बदन में ताकत ही नहीं है। सूर्य और चंदू की बहुत याद आती है। मेरे बच्चे कैसे होंगे घर पर? बच्चों की इतनी फिक्र है, जिंदगी की इतनी ही फिक्र होती तो इस बीमारी को गले नहीं लगाती। तुम कुछ भी मत बोलो मैडम, तुम्हारे बोलने से मुझे पता चल चुका है। शहर की हर गली, दीवार पर लिखा हुआ बीमारी वही ना, एड्स हुआ है ना मेरे को, एड्स हुआ है मेरे को, एड्स हुआ है मेरे को। हरामी, मरेगी साली, तेरी जिंदगी तो गई, तेरे बेटे का क्या होगा सोचा है कभी? कितनी बार समझाई तेरे को, निरोध वापरा कर, निरोध वापरा कर, पर मानते ही नहीं। भड़वा तो मरेगा, पर कितनों को बर्बाद किया किसको मालूम, किधर किधर मुंह मारता है साला बाबू राव। साला बार बार चेकअप कराना पड़ता है। बाबू राव, तुम्हारी वजह से भाभी की जिंदगी अब बर्बाद हो चुकी है। ऐसा क्या हुआ डॉक्टर साहब? बाहर कभी बाजारों औरतों के साथ? जी, कभी कभी। जिंदगी अब हाथ से फिसल रही है बाबूराव। क्या क्या कहना चाह रहे हैं डॉक्टर साहब? आपका HIV रिपोर्ट पॉजिटिव है, आपको एड्स है, ये रहा आपका रिपोर्ट। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब मुझे बचा लीजिए, मैं जीना चाहता हूँ, अपने परिवार के लिए जीना चाहता हूँ डॉक्टर साहब। अब हमारे हाथ में कुछ नहीं है बाबूराव, बस दुआओं के साथ हम जी सकते हैं। डॉक्टर साहब, मेरी पत्नी सुधा को भी शायद? हाँ बाबूराव, जिंदगी से अगर आप कभी मोहब्बत करते तो अपनी पत्नी को दगा नहीं देते। और एक बात आप याद रखिए कि अय्याशी का नतीजा बिल्कुल जीरो ही होता है और कुछ नहीं। बाबूराव, देखना चाहते हैं अपनी मौत को? देखो, देखो इस लाश को, ये वही लड़की है जिसकी वजह से तुम्हें एड्स हुआ है। और तुम्हारी वजह से तुम्हारी पत्नी और नैना को भी। क्या पाया, क्या खोया बाबूराव? बंगला, गाड़ी, पैसा, वासना और भ्रष्टाचार से लिथड़े लाचार, तेरे जैसे एड्स के वायरस समाज को लग चुके हैं और तुम्हारा अंत ऐसा ही होना चाहिए। सावित्री बोलती थी ना, और मंगला भी दोहराती थी, कॉन्डम यूज करो, कॉन्डम यूज करो, जरा संभल के, जरा संभल के। ना तो तू संभला और ना ही तेरे साथ वाले। मर साले कुत्ते, ऐसे ही सड़ सड़ के मर, और ले जा अपना सारा पैसा ऊपर और चाट उसको बैठ के। कर दिया ना, कर दिया ना मेरी दीदी की जिंदगी बर्बाद, कर दिया सूर्या को दोबारा अनाथ। अरे तू है तेरी मौत पर। शरीर देख ले, शरीर देख ले, शरीर देख ले, देख देख देख। बाबू राव, Thank you.
क्या हुआ आपको? इस तरह से क्यों दिख रहे हैं आप? मेरी जिंदगी बेटी के बारे में सोचा कभी नहीं। तुम क्यों सोचोगे? तुम क्यों सोचोगे? अगर उसके बारे में सोचता तो शायद ऐसा नहीं होता। मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया है सुधा, बहुत दुख दिया। तूने हमेशा मुझे गलत रास्ते पर जाने से रोका। काश उस वक्त मैं तेरी बात मान लेता तो आज हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता सुधा। मैं तेरा बहुत बड़ा गुनाहगार हूँ, बहुत बड़ा गुनाहगार हूँ तेरा। मुझे क्षमा कर दे, मुझे क्षमा कर दे। मैं तेरा बहुत बड़ा क्षमा मांगता हूँ। ये क्या कर रहे हैं आप? जीते जी तो नरक में धकेल दिया, मरने के बाद भी नरक। ये पाप तो कम से कम मुझसे मत करवाइए, ये पाप तो मुझसे मत करवाइए। तुझे कुछ नहीं होगा सुधा, तुझे कुछ नहीं होगा। भगवान सब ठीक कर देंगे सुधा। ऐसे क्या देख रहे हो? देख रहा हूँ कि दूसरों की सेहत की फिक्र में तुमने अपना क्या हाल कर रखा है। मैं ठीक हूँ, नैना की फिक्र हो रही है। डॉक्टर ने बताया कि वो नाम मत लो बीमारी का। समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूँ, बहुत डर लग रहा है। चलो अब बात होगी तो बगैर ईश्वर अल्लाह के। मेरी बात पकड़ना सीख गए हो। चलो शुक्र है कुछ तो सीखा। लगता है संगत का असर होने लगा है। अब कभी भी तुम्हारे दिल के दरवाजे पर दस्तक दे सकूंगा। जगत प्लीज। फिर वही, कितनी बार बताया है, आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ अ गर्ल, प्लीज। देखो 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 देखो, हमारी तरह का तो और कोई हो ही नहीं सकता। एक आधे को बनाकर उसने, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, मैं भूल गया कि तुम उसमें तो मानती ही नहीं। लेकिन मैं तो मानता हूँ, उसकी उपासना आराधना मैं रोज करता हूँ। यहाँ हमारे रास्ते थोड़े अलग है लेकिन दिल में होने वाली दस्तक एक है। रियली? वैसे मैं एक बात कहना चाहता था। क्या? जो भी रुपया पैसा मैंने गलत तरीके से कमाया है, मैं चाहता हूँ कि मैं वो दान कर दूँ एड्स के बचाव के लिए, क्योंकि मैं भी नहीं चाहता कि कोई दूसरी नैना पैदा हो। शुक्र है गांधी जी का चौथा बंदर पैदा होने से पहले मर गया। क्यों आज मोल भाव नहीं करेगी? तू फिर आ गया? एक बार तो मिला था। तो क्या थोबड़ा भूल जाएगी मैं? ऐसा मैंने सोचा। ए जास्ती सोचने का नहीं यार, अपन को ना सब याद रहता है। तू बोलते है खूब छान। ए बोला ना, चल निकल इधर से, चल कट ले, चल चल। तेरे से बात करने का है तो अभी से क्या इस कर रहा था क्या? है तो तू अच्छी। एक बात बता, तू इधर धंधे में कैसे आ गई? ए बोला ना, मेरी जिंदगी में झांकने का नहीं, चल निकल इधर से, चल चल फूट ले बे। ए भीतर किधर जा रहा है तू? ए आराम से बैठकर बात करेगा तेरे से। ए तू ना मेरे को गड़बड़ दिखता है। बैठ ना आराम से, चार बातें करेगी मेरे से। अबे तू क्या घर वाले की माफिक बात करता है? तेरे को ऑफर देता है। काय का? घर वाले का।
रोती काहे को? सच बोलता हूं। दू क्या एक थप्पड़? बाजार में हर औरत बाजारू नहीं होती। पर मैं बाजारू हूं। थी, आज से नहीं। ये कैसा बात करता है तू? सच बोलता है। झूठ, ये मजाक है। मजाक नहीं, सच्चाई है। क्या देखा मेरे में? दिल। वो तो सबके पास होता है। तेरे माफिक साफ नहीं। फेंकता है साला। मंगला, काली नहीं। तेरे को मेरा नाम किसने बताया? सूर्या। तू क्या सच में मेरे से शादी करेगा? कसम लूं क्या तुम्हारी? हे देवा, क्या तू मेरा सपना पूरा करेगा? कैसे बात बोलते हैं वो मोहल्ले वाले लोग। बोलने दे, इस वक्त तेरी अम्मा को तेरी जास्ती जरूरत है। देख, किसी का हिसाब उधर कभी नहीं होता। मेरे को एक पंडित ने बताया, सबका करना भरना इधर ही होता है। मरेगी वो, मालूम है मेरे को, गंदे धंधे में सड़ेगी नहीं तो क्या होगा उसका? ऐसा नहीं बोलते। चुप हो जा। देख, दिमाग की दही मत कर। पैदा किया मेरे को किधर, ऐसा सड़ीली जिंदगी में क्या सोची वो? उसके बच्चे को बड़ा आदमी बनाएगी? साला खाली फोकट का सपना और इधर कोई नहीं अपना। बहुत बड़ा बड़ा बोलता है। बच्चे की उम्र में बूढ़े की माफिक सोच मत, सीधे चल। अम्मा तेरे को देखने क्यों मांगता है, समझा? अभी बोलेगा तुम लोग चलो जाओ इधर से। हाँ, यही बोलता। एड्स की बीमारी का कोई इलाज नहीं है। कोई सर्दी खांसी की गोली खाकर ठीक नहीं हो जाएगी वो। अपन के पड़ोस में अक्खा थी, गई सड़ सड़ के मुंसिपाड़ी के गाड़ी में डालकर फेंक आया। मरेगी देखना, वो जरूर मरेगी। ऐसा नहीं बोलते। अम्मा है वो, भगवान से पहले उसकी इज्जत। मेरा कोई नहीं है सूर्या, तेरी अम्मा मेरी भी तो है। एड्स हुआ उसको? मालूम है, बीमारी है तो इलाज भी हो जाएगा। ए एडी, इसका कोई इलाज नहीं है, मालूम है ना? उसके पास मत जा और उसे छू भी मत। खाना पीना तो देने को पड़ेगा ना। अब कब तक जिएगी बेचारी? खाना खा के 10-12 दिन जी लिया ना तो भी बहुत हो गया। ऐसा मत बोल, बहन है वो मेरी। उसका बेटा सूर्या किधर गया? उसका बेटा उसको माँ कब समझता है, हमेशा बाजारू बाजारू कहता है। तुम सब ना अपना मुंह बंद करो, समझी? हरामी लोग, मुंह तो चलता ही रहता है इन लोगों का जब देखो तब। नैना, नैना, अरे जा इधर से, इधर से जा, जा। नैना, तू मेरी बहन है नैना। हाँ, ऐसे वक्त पे तो दुश्मन भी साथ देता। मैं तो तेरी छोटी है ना। मंगला, तू सबको बताई, मेरे को क्यों नहीं बताई तू? ऐसे काई को बोलती नैना? सावित्री बाई सबको समझाती है ना, समझाती है ना? समझे तो देख रहे सब लोग मेरे बारे में ये क्या क्या बोल रहे। मैं मर जाएगी, मैं मर जाएगी। नहीं नहीं,
सबको एक दिन जाने का है। वो मेरा हिस्सा पूछेगा ना तो मैं पूछेगी उससे। काइके, काइके वास्ते मेरे को औरत बनाया, मरद बनाता तो क्या चाहता उसको? हाँ पूछेगी मैं। तू काइके वास्ते हंसते ना, तू भी औरत है ना? औरत, औरत का सुख अलग है, वो अलग बात थी, लेकिन आज जिंदगी बाजार होगी। पर कुछ साल तो एक औरत की तरह जिंदगी गुजारी मैंने। तूने तो कभी बताया नहीं। आज तेरे को बताएगी। बाजारों में बाजारों, लेकिन दो दिन के वास्ते की जिनकी याद है मेरे को, याद है जब हम तीनों दाने पानी के वास्ते गांव छोड़कर दारू पीने की वजह से तेरी क्या हालत हुई है मालूम है तेरे को? कुछ दारू नहीं, पानी है ये। मालूम है कहां से लगी रही है आदत तेरे को दारू पीने की? हाँ, शहर में तेरे जैसे आदमी को काम ही नहीं मिलेगा। बात करता है, टोका टोकी मत कर, काम मिलेगा मेरे को। काम मिलेगा मेरे को? काम नहीं मिलेगा तो क्या हवा पानी खा के जिएंगे क्या? अभी तेरा मरद जिंदा है। उठा लूंगा मौसी। साहेब कुछ काम दो ना साहेब। अपने को भीख मंगा समझाई क्या? हाँ, अरे बाहर का उसे काम करने पाया इधर, साला कुत्रिया, साला भिखारी समझाई क्या? नवा है क्या? ए, भाई, घबराने का नहीं, घबराने का नहीं। अपो सब कम कर दिया आदमी, देख कम कर दिया आदमी। मंगता क्या? नौटंक एकदम अड्डे वाला फर्स्ट क्लास। जाने को बोलना। ए, अपनी बिरादरी वाला है तू? अपना ही दोस्त है, अपने ही बिरादरी वाला। ले मुंह को लगा, फुल बॉटल है, ले पी ले। अरे ले यार। जाओ ना इधर से भाई, जाओ ना, छोड़। क्या भाई नाराज काहे को होती है? अरे अपन सब बिरादरी वाला है क्या? कमाएगा, खूब कमाएगा, इतना खरा माल है तेरे पास। क्या बोला रे कुत्तिया? क्या दिखता है रे? अरे हाँ, चल जा। चलती है क्या? तेरे को क्या मैं धंधे वाली दिखती हूँ?
बहुत बोलती है रे तू। ए! छोड़। अरे छोड़ मेरे को। अरे है ना दीदी, तू सीधे स्वर्ग जाएगी। पति का सुख, बच्चों की ममता, दोनों को भोगाए तूने। आई तू इधर, क्या जरूरत थी तेरे को आने की यहाँ पर? तेरे को, तेरे लिए खेल है, खेल है, लाई मैं। बहुत अच्छा पटा दे रहे तू। चंदू, तू भी नाराज है मेरे से? नहीं माँ, मैंने इसको। चुप हो जा, आजकल बहुत ज्यादा बोलने लग गए। बोलेगा मैं, मेरी भी तो माँ है। चंदू, तू भी तो मेरा बेटा रे। इसको इसको कभी दोस्त नहीं समझने का, हाँ भाई समझने का। खीर खाओ। सूर्या, सूर्या बेटे, सूर्या, सूर्या, काले काले चला, जिसकी जैसे मौत लिखी है उसको वैसे जाना पड़ता। तू हमेशा मेरे को बोलता है ना, बाजारू बाजारू, तू बाजारू आदमी का खुद नहीं है, तेरा बाप था, मर गया। सूर्या, माँ, सूर्या, मेरा बाप था, मेरा बाप था। रुक जा सूर्या भैया। मेरा बाप था भैया। चंदू, मेरा बाप था। मैंने माँ को बाजारी बोला, लेकिन वो बाजारी नहीं थी, मैंने उसे जीते जी मार दिया था। चंदू, नहीं सूर्या भैया, हमें माफ कर देगी। देख, हम इस हालत में तेरे लिए यहाँ तक आई है। माँ, भैया, भैया, माँ, 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 क्या हुआ? क्या हुआ? माँ, माँ, माँ को क्या हुआ? माँ क्या हुआ? माँ, 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 माँ क्या हुआ? माँ, 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 चंदू माँ को क्या हुआ? पता नहीं। माँ, माँ, कुछ बोलो ना माँ। Ah!
काय के वास्ते चली गई नैना, काय के वास्ते? मंगला, उसे छूना मत, वरना तुम्हें भी एड्स हो जाएगा। क्या बोल रही है तू? अरे जब तुझे कुछ पता नहीं है तो बोल मत। मैं लगाती हूँ हाथ उसको, मैं, देख। छूने से ऐसा ही होता, छूने से तो प्यार बढ़ता है। तेरी बात सच है कालिता, छूने से सिर्फ प्यार बढ़ता है। तू पढ़ी लिखी, हमको कितना समझाया, परम गवार कुछ नहीं समझी, और ये देख क्या हो गया है, क्या हो गया। ये सब बकवास बातें करनी छोड़ो और हाथ लगा के इसे उठाओ। चलो रे आ जाओ। बन गया अभिशाप। जीवन चलती राह है, जीने की जिंदगी शुरू करने जा रही हूँ, खुशी खुशी जाओ। और ये है ना सूर्या और चंदू, इनकी फिक्र मत करो, हम हैं इनके लिए, अब तुम खुश रहो, समझे? दीदी मैं तो मुक्त हो गई, पर इन बच्चों को मजदूरी से मुक्त कर दो और इन्हें अच्छा इंसान बना। बसंत, मैं और सावित्री जिस बीमारी के खिलाफ लड़ रहे हैं, तुमने मंगला का हाथ थाम कर उससे भी आगे का काम किया है, और मेरी तरफ से आपको शादी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन जरा संभल के, हाँ पल दो पल के, जरा संभल के, जरा संभल के, जरा संभल के, जरा संभल के। कंडम देते हैं, 8 दिन में एक बार एड्स की जानकारी देते हैं, गवर्नमेंट आपको कंडम फ्री में मिलता है, 8 दिन में एक बार एक लड़की को 50 कंडम बांटते हैं। अगर कोई एचआईवी औरत होगी, अभी तो हमारी इधर जाकर कोई नहीं है, होगी तो हम सिविल अस्पताल में लेके जाके दवा पानी करते हैं। मैं संस्था चलाती हूँ 6 साल, एशिया महिला एड्स निर्मूलन केंद्र सांगली। एक एक कस्टमर ऐसा आता है कि वो कंडम नहीं लगाते, और लड़की लोग चिल्ला के बोलते हैं माँ ये कंडम नहीं लगाते। हम वो कंडम कस्टमर को समझा के बताए कि देखो बाबा तुम्हारी भी बीबी बाल बच्चे हैं, तुम कंडम लगा के बैठ जाओ,
अच्छा नहीं होता है। वो मेरे को उल्टा जवाब देता है क्या हमारी बीबी कंडम नहीं लगाती? अरे वो तेरी शादी वाली बीबी है इसके लिए लगाती। तू इधर मजा करने आया है, शादी बनाने नहीं आया है। ऐसा समझा समझा कि हम लोग कंडम डालते हैं, अगर तो भी नहीं समझा तो उसका पैसा दे के उसको वापस भेज दे। रात के वक्त पूरा 12 बजे इधर एक डब्बा है, ये डब्बे में पूरा जमा करेंगे, वो डब्बा लेके जाके पानी में लग, नहीं तो आग लगाई। देखो जब सेक्स वर्कर होती है उसको बाप नहीं होता, माँ ही उसका बाप, दोनों माँ बाप का प्यार माँ ही देती। इसकी वजह से बच्चे लोग को भी नाम माँ का ही है। अगर वो बच्चे लोग सेक्स वर्कर के बच्चे लोग है करके हम लोग ऐसे खुला नहीं, उनको सबको लिखा पढ़ी चालू है, बालवाड़ी को जाते हैं, कोई नवी को है, कोई दसवीं को है, कोई तेरहवीं को है, कोई बारहवीं को है, पूरे बच्चे हमारे पढ़ते हैं। हम सेक्स वर्कर थे, हमारे पे ही खत्म करने वाले, इसके आगे हम लोग और कुछ बढ़ाने वाले नहीं। पहला समाज ये सेक्स वर्कर को बुरी नज़र से देखता था, ये बच्चे लोग को, ये बड़ा, ये रंडी का बच्चा, इसको कहीं को नजुक लिया। ये समाज को मेरे को बोलना है कि सेक्स वर्कर के बच्चे ऊपर से नहीं गिरे, वो भी माँ के पेट से ही पैदा हुए। समाज क्या करता है ये सेक्स वर्कर के बच्चे? अरे सेक्स वर्कर वो खुल्लम खुल्लम खुल्ला सेक्स करती है, समाज अंदर के अंदर कितना धंधा करता है वो किसको मालूम है? नहीं मालूम। लाजिस पे करते है, घूम फिर के करते है, चुप 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 के ऐसा पर्दा डाल के जाते हैं। हम लोग ऐसा खुल्ला रहे, इतना ही फर्क। एड्स से मरे हैं, बहुत लड़कियां मरी है, हम मना नहीं, तब कंडम नहीं था, हमारे जवान में कंडम नहीं था। कंडम की जानकारी कुछ अभी अभी 10-15 साल में कंडम की जानकारी ज्यादा हुई है, तब से लोग कम मर रहे हैं। और एड्स को जितना सेक्स वर्कर संभाल के डालती है उतना तुम्हारी औरत भी नहीं डाली। हमारे एक ख्वाहिश है कि सेक्स वर्कर के बच्चे किधर मजदूरी नहीं करना चाहिए, कुछ तो बनना चाहिए। जैसे आप लोग हैं अभी, वीडियो कैमरा वाला, कोई लाइट वाला है, कोई ऑफिसर है, ऐसा बनाने का हम लोग का भी बहुत चाहते, हम वैसा ही बनाएंगे वो लोग।